हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम बात कर रहे थे क्लास टेंथ की एन सी आर टी मैथ को देख रहे थे। आज हम प्रश्नावली 8.2 को क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 से आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, तो प्रश्न कहता है यदि टैन ए प्लस बी बराबर √3 और टैन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है तो 0 डिग्री छोटा है ए प्लस बी से और ए प्लस बी छोटा है छोटा और बराबर है 90 डिग्री से। देखते हैं ए अगर बड़ा है बी से तो ए और बी का मान निकाले। चाहिए सॉल्व करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया गया है टैन ए प्लस बी बराबर √3। टैन ए प्लस बी बराबर √3, तो ये लिखते हैं यहाँ पे टैन ए प्लस बी बराबर में √3। ये इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा टैन ए प्लस बी बराबर, और √3 को हम टैन 60 डिग्री लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? टेन साठ डिग्री का मान कितना होता है? √3। तो √3 के बदले हम टेन 60 लिख सकते हैं। यहाँ पे टेन से टेन कट जाएगा, टेन और टेन कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए प्लस बी बराबर में 60 डिग्री हमारा निकल गया का समीकरण, एक हम इसको मानते हैं। यहाँ पे दिया, फिर देखते हैं यहाँ पे इससे निकालते समीकरण 2। यहाँ पे दिया गया है टेन ए माइनस बी बराबर में 1/√3। ये इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 को कितना लिख सकते हैं? टेन 30 डिग्री का मान होता है तो यहाँ पे लिख देंगे हम टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। आइए सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे फिर टेन से टेन कट जाएगा तब यहाँ बच जाएगा 1 a - b बराबर में 30। ये लिखते हैं a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री, ये हमारा निकल गया है समीकरण 2। दोस्तों आइए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। आइए यहाँ पे समीकरण 1 क्या कहता है? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो ए प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। समीकरण 2 कहता है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो ए माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। आइए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a बराबर ए, यहाँ प्लस बी और माइनस बी प्लस माइनस घटता है तो यहाँ पे घट जाएगा तो बी हो जाएगा 0, बी को छोड़ देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 60 और 30 90, तो यहाँ से हमारा ए का मान निकल जाएगा, 2 से कट जाएगा तो ए बराबर 90/2, तो कट का आ गया यहाँ पे 45, ए बराबर हमारा हो गया 45। समीकरण ए का मान समीकरण 1 में रखते हैं। आइए समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आता है ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 कहता है ए प्लस में बी बराबर 60 डिग्री। चलिए ए का मान 45 डिग्री में रखते हैं तो ए बराबर 45 डिग्री प्लस में बी बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ से हमारा बी का मान निकल जाएगा, बी बराबर 45 इधर प्लस में तो उधर भेजेंगे माइनस में 60, 45 हो जाएगा माइनस में 45 डिग्री। यहाँ से हमारा बी का मान निकल जाएगा दोस्तों, बी का मान आ जाएगा 15 डिग्री। कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो
इस तरह हमने हमारा ए का मान निकला 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री इज द राइट आंसर। ये हमारा पूछ रहा था प्रश्न में ए और बी का मान ज्ञात करें, कह रहा था ए और बी का मान ज्ञात करते हैं। ए का मान निकाल गया हमारा 45 डिग्री और बी का मान निकल गया 15 डिग्री। चलिए दोस्तों, तो इस तरह हमने प्रश्न संख्या 3 को भी सॉल्व कर लिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।